नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास लिटरेरी वर्क। जितने भी दोस्तों ये लिटरेरी, म्यूजिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क टर्म जो हैं कॉपीराइट के अंडर हैं, ये देखने में तो बहुत सीधी लगती हैं कि लिटरेरी वर्क होगा तो साहित्य से जुड़ी चीज़ों की बात की जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इनको थोरली स्टडी करेंगे तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें पाएंगे जो कि हम इनको सुनते वक्त ऐसा ज्यूम नहीं कर पाए होंगे कि भाई ये भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को ही हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है लिटरेरी वर्क, कि लिटरेरी वर्क में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। इसी के साथ बाकी जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन कहाँ है लिटरेरी वर्क को। तो उसको डिफाइन किया गया है जो है वो सेक्शन 2 सब क्लोज जो ओ है उसमें डिफाइन किया गया है, जिसमें कि अगर आप देखें तो बहुत ही अजीब सी डेफिनेशन है जो कि कहती है लिटरेरी वर्क मीन कंप्यूटर प्रोग्राम्स टेबल एंड कंपाइलेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर डेटाबेस। तो यानी कि ये सिर्फ कंप्यूटर को ही इंक्लूड कर रहा है इसमें, बाकी चीज़ों को नहीं बता रहा है हमें कि वो क्या होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो, या कंपाइलेशन है, या फिर डेटाबेस है जहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जिसको फीड किया जाता है सिस्टमेटिकली और सिस्टमेटिकली उठाया जाता है वहाँ से किसी फंक्शनिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें उसने कहा कि ये लिटरेरी वर्क है, बट एक्चुअल में क्या है उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों जहाँ तक बात है कॉपीराइट वर्क का, तो जो भी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होता है वो उसके अंडर आता है, जिसमें कि कंडीशन ये होती है कि वो वर्क कॉपी नहीं होना चाहिए, यानी किसी की नकल नहीं होना चाहिए, और ये जो ऑथर है उसके द्वारा ही ओरिजिनेट होना चाहिए, यानी कि उसके द्वारा ही ये जनरेट होना चाहिए प्योरली। अगर हम वर्ड लिटरेरी को एज इट इज़ ही लें तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम, पोइट्री, प्रोज, लिरिक्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पर असल में जैसे कि मैंने पहले कहा, ये जो लिटरेरी वर्ड है वो साहित्यिक या साहित्य से नहीं जुड़ा है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हैं, और ये सब चीज़ें जो इंक्लूड हैं ये आपको लिटरेरी लगेंगी भी नहीं। जैसे कि गणित पर लिखी गई किताब, फुटबॉल कूपन्स, रेलवे का टाइम टेबल, टेलीफोन डायरेक्टरीज और इनकम टैक्स रिटर्न्स, इन सब को भी लिटरेरी माना जा सकता है अगर ये बाकी कंडीशन को पूरा करती हैं। लिटरेरी वर्क के बारे में एक और बात कही गई है कि ये जो है एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, या तो राइटिंग में, या प्रिंटिंग में, या नोटेशन फॉर्म में, किसी तरह का कोई नोटेशन होती है तो उसमें भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर सिंबल्स है ना, चिन्ह जो होते हैं उनमें भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लेक्चर दे रहा है जो कि उसका अपना लिखा हुआ है, ओरिजिनल है और पहले से वो कहीं पब्लिश या उसने नहीं दिया है, तो उसको भी कवर किया जा सकता है लिटरेरी वर्क में। अब सवाल ये है कि लिटरेरी वर्क में प्रोटेक्ट क्या चीज़ की जाती है, किस चीज़ को संरक्षण किया जाता है। तो उसका जवाब ये है कि लिटरेरी वर्क में जो स्किल, जो लेबर है आपकी, या फिर जो कैपिटल है, और ये सब चीज़ें जो उसका ऑथर है वो इन्वेस्ट करता है, इन सब को प्रोटेक्ट किया जाता है ना, कि भाई एक आदमी ने अपनी मेहनत करके एक चीज़ को बनाया है, स्किल है उसके पास कोई किसी भी तरह का, कोई कहानी लिखने का, कोई लेक्चर लिखने का, कोई किसी भी तरह का कुछ हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसमें लेबर यानी कि मेहनत भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर होगी, और उसके साथ साथ कैपिटल यानी पैसा जो है उसकी भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो जो आदमी है उसका दोहन कर सके या उसका बेनिफिट उसे मिल सके, ना कि किसी दूसरे आदमी को जो कि उसके इस मेहनत को कॉपी करके खुद पैसा कमाना शुरू कर दे। हाँ, इसमें ये बात जरूर है कि भाई कितनी क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, स्किल कितना होना चाहिए, लेबर कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये हम उसको नहीं एग्जैक्टली बता सकते, बट ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए और होती हैं लिटरेरी वर्क में अगर उसको कॉपीराइट की प्रोटेक्शन चाहिए तो। और स्किल, लेबर, कैपिटल जो है ये बहुत बड़े पैमाने की भी नहीं चाहिए, है ना, कि हाईली स्किल्ड हो या बहुत हाईली लेबर कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है, एक मॉडरेट टाइप की हो तो उससे काम चल सकता है। और इसका उदाहरण जैसे कि मैंने कहा कि जो फुटबॉल कूपन होते हैं उनमें भी आपको कॉपीराइट मिल सकता है। तो यानी कि वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा हाई लेवल की स्किल या मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है, बट स्टिल कॉपीराइट वहाँ पर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों लिटरेरी वर्क का अडेप्टेशन, यानी कि आपको उसके अडेप्टेशन में भी कॉपीराइट होगा। अब अडेप्टेशन क्या है वो ध्यान से सुनिए। जो भी वर्क लिटरेरी है, जो लिखा हुआ है आपने, उसको ड्रामेटिकली परफॉर्म करना, या फिर पब्लिक में परफॉर्मेंस देना जो कि उस लिखे हुए के बेस पे हो, या फिर उसको काट छांट करके उसको अपने तरीके से बना के पीरियोडिकल, अखबार, मैगजीन में पब्लिश करना। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि सीरियल या धारावाहिक जो बनते हैं टीवी पे आते हैं वो किसी बुक पे बेस भी होते हैं कई बार, तो वहाँ पर वो उसकी काट छांट करते हैं, उसको अपने तरीके से लिखते हैं, या तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, या फिर वो चीज़ें जो उनको अननेसेसरी लगती हैं उनको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर कटाई छटाई करके उसी चीज़ को जो कि लिखी गई है, तो उसमें भी कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है। और अगर इस तरह से कोई जेन्युइनली काट छांट या एब्रिजमेंट किया जाता है तो उसको भी कॉपीराइट की प्रोटेक्शन मिलती है। पर इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो जो भी किया गया हो एक कलात्मक ढंग से किया गया हो, है ना,
आर्टिस्टिकली किया गया हो, ना कि ऐसे कि अगर 10 पैरा हैं किसी एक कहानी के तो आपने 8 उड़ा दिए और 2 को कह दिया कि भाई देखो ये मेरा एवरेजमेंट है या एक कलात्मक, वो नहीं, वो आर्टिस्टिकली नहीं होगा, वो जस्ट एक मैकेनिकल प्रोसेस होगी, तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कलेक्टिव वर्क में भी कॉपीराइट जनरेट हो सकता है, जैसे कि इसका नाम है कलेक्टिव वर्क। तो यहाँ से आपका जो वर्क है, जो आप लिटरेरी वर्क की डेफिनेशन में कवर किया जा सकता है, वो अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जाता है ना, इंसाइक्लोपीडिया से, डिक्शनरी से, एयरबुक से, या कहीं और से मटेरियल इकट्ठा करके आप बनाते हैं, या फिर अलग अलग राइटर की चीज़ें जो है वो लेकर उसको इकट्ठा करते हैं, उसे अपने ढंग से प्रेजेंट करते हैं, उसमें भी कॉपीराइट आपको जनरेट हो सकता है अगर वो जेन्युइन है और अगर वो पूरी कंडीशन जो है कॉपीराइट की फुलफिल करती है तो। और जो कलेक्टिव वर्क होता है कॉपीराइट का, उसमें दो राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो वो राइट जहाँ से आपने मटेरियल उठाया था ना किसी राइटर का, एक तो उसमें राइट एग्जिस्ट करता है उस राइटर को, एक आपका अपना राइट जो कि अलग अलग तरह का मटेरियल उठा के आपने एक नई चीज़ बनाई है, वो जो नई चीज़ है उसमें आपका कॉपीराइट जनरेट करता है। और ये सब जो काम है उसके लिए लेबर, स्किल, कैपिटल, ये सब चीज़ें चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है कि कलेक्टिव वर्क भी जो कॉपीराइट की प्रोटेक्शन है उसको दी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन जो थी उसके अंडर आपको बताया था कि भाई ये उसको बता रहा है कि ये कॉपीराइट वर्क है, हालांकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, पर डेफिनेटली किसी ने उसको फीड किया है, किसी ने उसको लिखा है, उसमें स्किल, जजमेंट या लेबर या कैपिटल जो है उसको इन्वेस्ट किया होगा। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि कंसेप्ट और आइडिया ऑफ एल्गोरिदम जो है उसके ऊपर प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है कॉपीराइट लॉ के अंडर, क्योंकि वो मेरे एक आइडिया है या एक कंसेप्ट है, अगर वो प्रोग्राम बन जाता है उस तरह की कोई चीज़ बना देते हैं तब तो उसमें हो सकता है, बट मेरा आइडिया या उसका कंसेप्ट जो है वो कॉपीराइट के प्रोटेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि मेरा आइडिया जो है वो अपने आप में कॉपीराइट लॉ के अंडर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। नाउ लास्ट और नेक्स्ट है दोस्तों, अदर लिटरेरी वर्क, क्या इसके अलावा भी लिटरेरी वर्क हो सकता है जिसको कि डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाए और जिसको कि कॉपीराइट की प्रोटेक्शन दी जाए? तो जी बिल्कुल हो सकता है, जिसमें कि पर्सनल लेटर्स आ सकते हैं, है ना, प्राइवेट लेटर्स जो हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोगों के होते हैं, उनको भी कॉपीराइट लॉ के अंडर कवर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चनर जो कि आप रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह पर अपना क्वेश्चनर या प्रश्न जो है भेजते हैं, उनको भी इसमें कवर किया जा सकता है। कैटलॉग भी इसमें आ सकती हैं, लेक्चर भी इसमें आ सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। पर दोस्तों इसमें जो है वो जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल के या फिर किसी और जुडिशियल अथॉरिटी के हों, उनको इसके अंदर कवर नहीं किया गया है, उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। धन्यवाद।